मैं तो पहले श्रीमद् भागवत गीता का ही किताब पढ़ूंगा। सभी भाइयों को मेरा राम राम। थंबनेल या टाइटल से तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक का वीडियो है। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो 100 डेज सुपर हार्ड चैलेंज का होने वाला है, जो मैंने कुछ नियम बनाए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हार्ड चैलेंज का मतलब यह है कि जो मैंने नियम बनाए हैं वह नियम प्रतिदिन के लिए लागू होना चाहिए बिना किसी चीटिंग के साथ। चलिए अब नियम पे आते हैं। तो मेरा पहला नियम यह है कि अपना एक सेल्फ फोटो लेना है। फोटो इस तरह से लेना है कि अपना फुल बॉडी आ जाए। दूसरा नियम में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। कम से कम तो 3 लीटर पानी पी ही लेना है दिन भर में। तीसरा नियम में समय समय पर खाना खाना है, खाना वही जो हम लोग नॉर्मली घर में खाते हैं। चौथा नियम में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यह नियम अति आवश्यक है। पांचवा नियम में अपने अपने धर्म या सेल्फ बुक का कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। मैं तो पहले श्रीमद् भागवत गीता का ही किताब पढ़ूंगा ताकि मुझे अपने धर्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा किताब पढ़ूंगा। छठवां नियम, सुबह में मेरा आउटडोर 40 मिनट का रहेगा और शाम में मेरा इनिंग डोर 60 मिनट का रहेगा, जो कि मेरा टोटल वर्क आउट 100 मिनट का होने वाला है। आउटडोर और इनिंग डोर करना बहुत ही जरूरी है। और अब मेरा लास्ट नियम यह है कि नशा वाला कोई भी पदार्थ नहीं खाना है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। चलिए अब सभी नियमों को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहला, अपना एक सेल्फ फोटो लेना है। दूसरा, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तीसरा, समय समय पर खाना खाना है। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पांचवा, अपने अपने धर्म या सेल्फ बुक का कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। छठवा, सुबह में 40 मिनट और शाम में 60 मिनट का वर्कआउट करना है। सातवा, नशा वाली कोई भी पदार्थ नहीं खाना है। यह सभी नियम 14 अगस्त से 100 डेज सुपर हार्ड चैलेंज के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। अब मैंने एक ग्राफ बनाया है 100 डेज के लिए, जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। अब मैं यह आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।